खबर जसपुर से है, जहां ग्राम नादेही में फलों का प्रबंधन एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एवं जसपुर क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक शंकर लाल कोहली ने प्रशिक्षण का संचालन करते हुए आम, अमरूद, लीची, नींबू, अनार, कटहल आदि फलदार बाग लगाने के लिए जानकारी दी। वहीं प्रभारी उद्यान सचल दल द्वारा उद्यान विभाग से 80% राज्य सहायता पर मशरूम उत्पादन कर आय बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी दी गई। साथ ही पॉली हाउस में फूल एवं सब्जी उत्पादन के बारे में विस्तार से बताया गया। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शंकर कोहली, अधीक्षक जसपुर से हूँ। हमारा विकास खंड के अंतर्गत प्रत्येक न्यायालय के स्तर पर किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्य चल रहा है, जिसमें हम बाग लगाने, सब्जी उत्पादन, मशरूम की खेती और पॉली हाउस के अंदर फूलों की खेती, तो सारे प्रोग्राम हमारे विभाग से चल रहे हैं। उनका प्रशिक्षण हमने किसानों को दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। इसी क्रम में हमने आज ग्राम नादेही में निःशुल्क फल पौध भी वितरण किए और किसानों को जागरूक किया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और कोई समस्या अगर खेती में हो रही हो तो हमसे संपर्क करके, हमारा केंद्र यहीं नादी में ही है, यहाँ के संपर्क करके लाभ उठा सकते। योजना ग्राम नादेही शिव मंदिर पर जो है जिला योजना के अंतर्गत ये बताई गई है, जैसे अचार बनाना और नींबू का अचार बनाना, आम का अचार बनाना या छोटे छोटे उद्योग लगाना, और जैसे एलोवेरा के लिए एलोवेरा की खेती करना या पुष्प फूलों की खेती करना या चक्की लगाना या अपना जो है निजी कोई उद्योग करना फूलों की खेती के बारे में, ये जो है जनता के उत्थान के लिए ऐसे ग्राम में एक दिवसीय उद्यान विभाग की तरफ से प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसमें हमने फलों का प्रबंधन और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में किसानों को बताया। इससे किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसमें हमारे उद्यान विभाग की तरफ से 35% की सब्सिडी दी जाती है, 55% लोन मिलता है और 10% किसान स्वयं लगाता है। इसमें किसान अपनी छोटी सी यूनिट बना सकता है, जैसे मिनी राइस प्लांट अगर किसी किसान के किसान को बनाना है तो उसमें हम किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, या अगर किसान को बेकरी से संबंधित है या आम अचार, जेली, जैम, स्क्वैश बनाना है, चाउमीन है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आजकल मार्केट में रेडी टू मेड फूड पैकेट्स आ रहे हैं, तो इसके संबंधित आज प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों को दिया गया।